हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने एसएससी सीपीओ के टीयर 2 के पेपर को लेके आया हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, साइनोनिम्स रिलेटेड है सेम मीनिंग। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मीन्स क्या होता है? उत्तरदायी होता है, परोपकारी से कह सकते हैं, परोपकारी। अगर इसे साइनो बात करें तो इसका साइनो क्या हो सकता है? चैरिटेबल, चैरिटेबल इसे साइनोनिम हो जाएगा। अगला क्या है? क्लेमेंसी। क्लेमेंसी क्या होता है? दयाशीलता, दयाशीलता इसे कह सकते हैं, क्लेमेंसी मींस होता है। और इसका अगर बात करेंगे फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस इसका क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फिल द ब्लैंक्स है। वी डैश लव डैश ऑनर हिम, क्या कह रहा है? अब इसमें ऑप्शन दिया बोथ एंड, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, वी दो येट, वी डोंट लव येट ऑनर हिम, ये नहीं होगा। वी वेदर ये भी नहीं होगा। वी फील लव और ऑनर हिम ये भी नहीं होगा। पहला आंसर सही होगा फ्रेंड्स, वी बोथ, हम दोनों क्या करते हैं? प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, ऑनर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, आरपी सिंह डैश अमित मिश्रा गुड बॉलर्स। तो आरपी सिंह एंड अमित मिश्रा दो को ये आर गुड बॉलर्स होगा, ठीक है? तो आरपी सिंह एंड अमित मिश्रा आर गुड बॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव है जिसे आपको चेंज करना है, ठीक है? सेंटेंस दिया है इसको आपको एक्टिव टू पैसिव बनाना है, ठीक है? आई स्पोक टू हिम, तो आई स्पोक टू हिम, हिम इज चेंज इनटू सब्जेक्ट, उसका चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ही वाज स्पोकन हो जाएगा, ठीक है? ही वाज स्पोकन टू बाय हिम हो जाएगा, बाय मी हो जाएगा, सॉरी, आई का मी में चेंज हो जाएगा, ही वाज स्पोकन टू बाय मी। ओके, अगला क्वेश्चन है एंटोनिम का है। एंटोनिम मींस क्या होता है? अपोजिट मीनिंग होता है, अपोजिट। ओके, फेबल, फेबल मींस क्या होता है फ्रेंड्स? तो फेबल का मतलब होता है आपका झूठ बोलना, झूठ हो गया फेबल। अगर इसका अपोजिट बात करेंगे तो ट्रुथ हो सकता है, ट्रुथ मींस क्या होता है? सच बोलना, ट्रुथ। ओके, अगला क्वेश्चन है यूफोनियस, यूफोनियस मींस क्या होता है? प्लेजर टू लिसन, कोई चीज सुनने में क्या लगे? सुखद लगे, उसको हम लोग बोल सकते हैं यूफोनियस। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट इसका मींस होता है कर्कश, कर्कश। ओके, नेक्स्ट है एरोगेंट, एरोगेंट मींस होता है उदंड, उदंड, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? हम्बल हो जाएगा, हम्बल मीन्स क्या होता है? विनम्र, विनम्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको यहाँ क्या करना है ना, इसमें आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट बना के दे दिया, आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है? तो ही सेड दैट ही हैड टू गो होम एट वंस, इसको क्या करना है? डायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड क्या है? ही सेड दैट ही हैड टू गो होम एट वंस, इसको क्या हो जाएगा? ही सेड हो जाएगा, ही सेड रहेगा, डैट हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास में चल जाएगा, तो आई मस्ट गो होगा, होम एट वंस हो जाएगा, आई मस्ट गो होम एट वंस, ठीक है? अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कह रहे हैं हार्ड टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना मुश्किल हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड, इसका वन वर्ड में क्या कह सकते हैं? इसको एब्स्ट्रस कह सकते हैं, क्या हो जाता है? एब्स्ट्रस। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आपका 10 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के इंग्लिश से रिलेटेड, जो कि आपके एसएससी सीपीओ में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए। किस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।